हेलो टू ऑल ऑफ यू ऑन द मैच पॉइंट N6 पे ऑस्ट्रेलिया से लाइव फीड्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। दोबारा क्रिकेट डिस्कशन जो है दोबारा उसके लिए हम इकट्ठे हो गए हैं टेबल के ऊपर। क्रिकेट द होल नेशन स्पीक्स वन लैंग्वेज एंड दैट इज क्रिकेट। पाकिस्तान की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप से बड़े क्रंच स्टेज के ऊपर है और पाकिस्तान की टीम बाहर होने को या वर्ल्ड कप पे बड़ी मुबहम किस्म की कुछ उम्मीदें हैं जो पाकिस्तान को वापस वर्ल्ड कप में ला सकती हैं। क्रिकेट फैंस जो हैं और क्रिकेट के यहाँ जो जिनमें जोश पाया जाता है क्रिकेट को फॉलो करने का, वो लोग टीम से खासे मायूस हैं। हम इस वक्त एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, कैरोप्रैक्टर भी हैं, क्रिकेट पैशनिस्ट भी हैं, लेकिन इतने सारे डॉक्टरों की मौजूदगी में स्टिल ये सेहत यामे का प्रोग्राम नहीं बल्कि क्रिकेट का शो है। पाकिस्तान टीम जो अपने दो मैच हार गई, क्रंच मैच हार गई और दोनों मैच पाकिस्तान टीम लास्ट बॉल पे लेके गई, इससे ये तो साबित होता है कि पाकिस्तान टीम दुनिया में क्रिकेट की सबसे हैरत अंगेज टीम है और सबसे इंटरेस्टिंग टीम है जो मैच को आखिरी बॉल पे लेके गई। इस पूरे वर्ल्ड कप के सबसे जो दो अच्छे मैच थे वो यही मैच थे जो यकतरफा नहीं साबित हुए, जिसका डिसीजन लास्ट बॉल पे हुआ है। बट पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हैं। इफ़ पाकिस्तान कुड नॉट क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल, दिस विल हॉन्ट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगेंस्ट आर्च राइवल्स इंडिया, पाकिस्तान फेल्ड टू डिफेंड 16 रन्स इन द लास्ट ओवर इन स्पाइट ऑफ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट बोलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड। एंड इन द सेकेंड गेम अगेंस्ट द मिनोज एंड सिकंदर रजा जम्बावियन टीम, पाकिस्तान टीम फेल्ड टू चेज 11 रन्स इन द लास्ट ओवर। सो इसी डिस्कशन को ज़रा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे पहले गेस्ट इरफान हाशमी, रिनोन्ड क्रिकेट फॉलोअर इन ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जब कोई भी पाकिस्तानी मेहमान आ जाए या क्रिकेट का कोई अमल दखल हो या कोई क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर हो तो वो इनकी मौजूदगी के बगैर नहीं हो सकता। पैशनेट क्रिकेट फ़ैन और जहाँ कहीं क्रिकेटर्स हों तो क्रिकेटर्स जो हैं वो इनसे बगैर, उनके मिले बगैर वो एडिलेड और ऑस्ट्रेलिया से बगैर बाहर जा नहीं सकते। इरफान हाशमी को मैं वेलकम करूँगा। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। इरफान भाई कैसे हैं और क्या कैसी स्पिरिट्स हैं अभी? देखिए आई एम एक्साइटेड कि पाकिस्तान की टीम अगर 3 मैचेस अगर जीतेगी और उसके अलावा जो भी उसके सर्कमस्टेंसेस हैं विल स्टिल बी कैन क्वालिफाई। और डिसअपॉइंटमेंट ये रही कि रिजल्ट हमारे लिए फेवर में नहीं रहे। मैचेस बहुत अच्छे हुए, लास्ट बॉल तक बैच गए और बहुत ही क्लोज गेम हुए। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान बस जीत रहा है और जीते जीते हार गए। इसके साथ साथ टीम देखिए यंग टीम है और यंग टीम में जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं साथ में बाबर की जो कैप्टनशिप है उसके बारे में कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन आई थिंक लेट देम प्ले, लेट देम गिव देम अ चांस, बिल्ड दिस टीम फॉर नेक्स्ट कमिंग टूर्स जो के आने वाले हैं। अगला वर्ल्ड कप भी होने वाला है 50-51 डे का, तो होपफुली बट दिस इवेंट इज स्टिल इन द मिडल, नॉट इवन इन मिडल, इट जस्ट स्टार्टेड। सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड। हम पर्थ जा रहे हैं कल और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान टू काउंटर विद नीदरलैंड। एंड नीदरलैंड जो है बड़ी अच्छी खेल रही है क्रिकेट, लेकिन आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान इनको अच्छे से टैकल कर लेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने में आई कि अभी जो मैच खेला पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो उस मैच के अंदर पाकिस्तान ने इन किया वसीम जूनियर को। वसीम जूनियर आए वहाँ पे, 4 विकेटें वो ले गए, अपना काम वो कर गए, लेकिन वसीम जूनियर की जो इंक्लूजन हुई, मेरा क्वेश्चन ये है कि दैट शुड हैव बीन टू रिमूव द बॉलर और द बैटर, क्योंकि अगर आपने नवाज़ को वहाँ रखना था तो आपको एक बैटर चाहिए था, डेप्थ चाहिए थी बैटिंग में, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका वीक पॉइंट है। तो इंस्टेड ऑफ आपने बाहर किया आसिफ अली को, तो क्या आपको नवाज़ को बाहर नहीं करना चाहिए था वहाँ? और नवाज़ को अगर आपने अंदर कर दिया तो नवाज़ ने पूरे मैच में एक भी ओवर नहीं किया। और नवाज़ का आपको ये बता दूँगा, अगर आपको नहीं मालूम कि कल नवाज़ अपना 50th गेम खेल रहे थे T20 का और उनका राउंड फिगर्स उन्होंने पूरे किए, लेकिन अगर नवाज़ को उस मैच में बॉलिंग ही नहीं करनी थी, ये पहला मैच है जो मोहम्मद नवाज़ खेले और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने लेकिन उस मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की। इससे पहले उन्होंने जो भी मैच खेला है पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉलिंग ज़रूर की है, तो अगर आपने उनको बॉलिंग नहीं करानी थी तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा बैटर डालना चाहिए था, आसिफ अली या कोई और लड़का इंस्टेड, ताकि आपकी बैटिंग थोड़ी सी मजीद लंबी हो जाती। मेरे ख्याल से आसिफ अली को अगर आप देखें वो
क्लिक नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से उनको बिठाया उन्होंने टीम इस मैच के अंदर, और साथ में उनको रिप्लेस किया बॉलर से, जो कि एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की टीम के जब मैच खेल रहे थे तो वहाँ पे हमने फील किया था कि हमारी जो एक बॉलर शॉर्ट था वहाँ पे, तो उसको तो पूरा किया, और वसीम जूनियर ने ही एक्चुअली प्रूव हिज सिलेक्शन करेक्ट। लेकिन पाकिस्तान के पास बैटर जो है, जैसे कि फ़कर आलम, फ़कर जबान जो बैठे हैं, लेकिन वी नो दैट ही इज़ नॉट 100% फिट, तो इतना चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास। क्या आपके ख्याल से कोई और प्लेयर बैठा हुआ है डगआउट पे जिसको वो लेकर आए इंस्टेड ऑफ आसिफ? आप ठीक कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान की आसिफ आल्दो के परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन अभी रिकॉर्ड्स ये शो करते हैं कि आसिफ अभी भारत के ख़िलाफ़ तो मैच में नहीं चले, लेकिन अगर मैं T20 वर्ल्ड कप 2021 जो दुबई में खेला गया, अगर मैं वहाँ से उठाऊँ, तो आसिफ चेस के दौरान 7 मैचेस में से 4 में उन्होंने बड़े क्रंच मैचेस में पाकिस्तान की जान बचाई, जिसमें वो अफगानिस्तान वाला मैच भी शामिल है, भारत के खिलाफ मैच शामिल है। हाँ, पिछले इस मैच में भारत के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सके 2 मैचेस, लेकिन आसिफ इज़ नॉट आई मीन हिटिंग व्हेन ही पाकिस्तान इज़ प्लेइंग फर्स्ट इन द चेजेस। उनके 7 में से 4 चेज उनके सक्सेसफुल उनका पार्ट रहा है, 2 में तो वो विनिंग शॉट तक भी लेके गए हैं। तो आई थिंक कि अगर और कोई, आपकी बात ठीक है कि आपके पास अगर कंफर्टेबल चॉइस नहीं थी तो आप आसिफ के साथ जा सकते थे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एक्स्ट्रा बॉलर, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉलर आपके काम नहीं आया ना, एक्स्ट्रा बॉलर क्योंकि आपके बॉलर ने तो काम कर दिया। आई थिंक कि वो अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो दे वर एट द वन स्टेज जिम्बाब्वे वर फर्स्ट 4 ओवर्स 36-0 और उसके बाद जिम्बाब्वे 16 ओवर्स में 92-8 थे, तो बॉलर तो अपना काम कर गए, शादाब भी वहाँ से कर गए और नवाज भी कर गए, शादाब भी कर गए और वसीम भी कर गए, तो दैट्स वाई आई वाज थिंकिंग कि एक डेप्थ होनी चाहिए थी। एनी हो, अब क्या गेम प्लान होना चाहिए, अब क्या पाकिस्तान भारत की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देगी? यहाँ हम कहीं देखने जा रहे हैं 2019 में इंडिया वर्सेज इंग्लैंड मैच, आपको याद है 2019 का वर्ल्ड कप? जी मुझे याद है 2019 का, एक्चुअली वेंट देयर टू वॉच 2 वीक्स, एंड दैट वाज द ओनली टाइम जब महेंद्र सिंह धोनी चेस करते हुए विनिंग शॉट के बगैर आए थे, और जब महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पे हों तो दैट वाज द ओनली इंस्टेंस जहां टीम इंडिया हार गई थी। आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं क्योंकि सेमीफाइनल में धोनी आउट हो गए थे, द मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। देखिए, मैंने वो मैच लाइव देखा था तो आई नो व्हाट वाज हैपनिंग। हमें पता था कि इंडिया वो मैच हारेगा, पहले बॉल से हमें पता था क्योंकि वहाँ पे इतने सारे फैंस बैठे हुए थे, तो इंडिया ने वो मैच गिफ्ट किया था इंग्लैंड को क्योंकि पाकिस्तान आगे फॉरवर्ड ना कर सके, तो ये तो हमें पता था उस मैच के अंदर। अच्छा, नाज़रीन क्योंकि बहुत से नाज़रीन देख रहे हैं, हमारे इंडियन बहन भाई भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू कन्विंस कि भाई ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये सच है या झूठ है। आप को अगर मेरे मेहमान इरफान हाशमी की बात भी यकीन नहीं तो आप बेन स्टोक्स की जो बुक है, मुझे उस बुक का नाम भूल गया है, आउट ऑफ माय माइंड, बेन स्टोक्स ने जो बुक लिखी थी 2020 में कोविड से जस्ट पहले रिलीज़ हुई थी, आप उस बुक का चैप्टर नंबर 11 खोल के पढ़िएगा कि बेन स्टोक्स उस मैच के बारे में क्या कहते हैं। तो सब अगर और कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ गूगल कर लें कि बेन स्टोक इन हिज बुक सेज अबाउट द इंडिया वर्सेज इंग्लैंड वर्ल्ड कप गेम, वो क्या कहते हैं कि बेन स्टोक्स ने क्या इंकशाफात किए कि किस तरह से हमें वो बॉल्स कर रहे थे और बैटिंग के दौरान वो क्या कर रहे थे, ये आप बेन स्टोक्स की ज़ुबानी सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ओके, I'll go and check that details. Thank you for referring. साथ में मुझे याद है कि धोनी जो हैं बड़े अच्छे चेजर थे उस पूरे टूर्नामेंट में, एक्सेप्ट के सेमीफाइनल में वो रन आउट हो गए थे, इंडिया बड़ा होप कर रहा था कि वो ले जाएंगे मैच को। और साथ में 2019 के ग्राउंड्स की अगर बात की जाए एज़ कम्पेयर टू यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं, आपने देखा ही कि पर्थ की जो बाउंड्री लाइन्स हैं वो इतनी मैसिवली बिग बाउंड्रीज हैं, कल जब पाकिस्तान खेल रहा था तो वहाँ छक्का मारना बहुत मतलब इज़ वेरी काफ़ी एफर्ट्स चाहिए, वो जो 80 मीटर्स की जो बाउंड्री है वो एज़ कम्पेयर टू, जैसे आपने आसिफ के बारे में कहा कि दुबई में उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में अच्छा चेस किया, उनके जो स्ट्रेंथ है वो छक्के मारने की स्ट्रेंथ है, तो वो जो छक्के जो हैं वो इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में आई फील के वो शायद उनकी वो हीटिंग जो है वो शायद रीच आउट ना कर सके बाउंड्री लाइन पे, तो ये मुझे फील होता है। आसिफ का काम कभी भी इनिंग्स बनाना नहीं है, उनका काम स्लॉगिंग करना है और गेम को निकालना। लांस क्लूजनर वर सेंट फॉर दिस जॉब, पांड्या हैज़ बीन सेंट फॉर दिस जॉब, युवराज हैज़ बीन सेंट फॉर दिस, लांस क्लूजनर वर सेंट फॉर दिस जॉब, माइकल बेवन वर्स सेंट फॉर दिस जॉब्स, तो दीज आर द टिपिकल जॉब्स जहाँ पर आपको 10 या 20 बॉलों पर आपको एक लाइन अबूर करनी है।
तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पर्थ में उनको नहीं खिलाया तो दैट वाज राइट डिसीजन, क्योंकि बाउंड्री लाइन जो थी वो मेरे ख्याल से आसिफ के लिए बहुत दूर मतलब दूर तक खेलना पॉसिबल नहीं होता, और शायद वो फिर कैच दे पाते जिस तरह के कल शायद आपने उठाने की कोशिश की और वो कैच हो गए, एक चौका लगा एक शॉट लगा उसके बाद वहीं उसी तरफ डायरेक्शन में बाउंड्री पे, तो बाउंड्री जो है बड़ी बाउंड्री वो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से कुछ एक थोड़ा सा हेडेक बनी हुई है इस बैटिंग लाइनअप के लिए। थैंक यू सो मच इरफान भाई, देखते हैं कि पाकिस्तान टीम क्या करती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ऑन द N6, आप देख रहे हैं ये लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान की टीम मुश्किल हालात में फंसी हुई है, ऐसे में ये डिस्कशन जारी है हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के साथ। मज़ेदार फालूदा जो है मेरे सामने पड़ा हुआ है, लेकिन फालूदे के साथ साथ जो मोरेल है वो पाकिस्तानी फैंस का वो काफ़ी कम है। डिस्कशन में मज़ीद अपने मेहमानों को शामिल करना चाहूँगा मैं, और मेरे इंतहाई दाएँ जाने बैठे हुए हैं लबीब अहमद, पाकिस्तानी मल्टीकल्चरल ग्रुप से इनका ताल्लुक है, और डॉक्टर शिराज हु इज़ ए डेंटिस्ट इन द एडिलेड, ये मेरे साथ मौजूद है। इन दोनों से लबीब भाई और इनसे जानेंगे पाकिस्तान का अहवाल और आंखों देखा हाल और मुंह बोली दास्तान के ये पाकिस्तान के साथ जो बीत रही है ये क्या बीत रही है। जी लबीब भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द N6। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे, हम तो बताने के काबिल भी नहीं रहे मेरा ख्याल इस वक्त कुछ नहीं। अल्लाह खैर करे, अभी भी पोजीशन तो है क्योंकि हम हमेशा सी मुश्किल पोजीशन में ऐसे फंसने के माहिर हैं, यानी कि हम फंसाने में माहिर हैं कि कौन क्या करे कौन क्या करे और कैसे वापस आएँ, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ हमारे साथ। उसको हम ये कहेंगे ये सारा पिंड मर जाए तो मैं मेरा ब्याह हो जाएगा कि वो उससे हार जाए वो उससे हार जाए, उसकी बारिश हो जाए, उसकी लात टूट जाए, उसके बाजू टूट जाए, फिर मैं मैदान में अकेला होऊंगा और मैं जीत जाऊँगा, ऐसे नहीं होना। मेरे ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो तो एक तो टीम सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू द जो जहाँ पर भी आप खेलने जाते हैं, इंग्लैंड के एनवायरनमेंट डिफरेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट हैं, दुबई के डिफरेंट हैं। हमारे लोगों को अभी तक यही शायद नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में टीम जो खिलानी है उसको कैसे सिलेक्ट करना है। जो पाकिस्तान में स्कोर कर लेता हम समझते हैं कि ये हर जगह जाके न्यूजीलैंड में भी छक्के मारेगा और ऑस्ट्रेलिया में भी छक्के मारेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, विकेट का फ़र्क होता है और बॉलिंग की बाउंस का फ़र्क होता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि टीम पे लिए। अब दो तीन लड़के ऐसे थे जो कि यहाँ पे बिग बैश खेलते रहे और बड़े सक्सेसफुल रहे थे, उनको मेरे ख्याल से टीम में शामिल करना चाहिए था नए लड़कों की बजाय। दूसरा ये हम देखें लबीब भाई, बिग बैश तो हारिस रऊफ भी खेलते रहे, इवन बिग बैश से पहले जब उनको लाहौर कलंदर के यूथ ग्रुप ने यहाँ पर बुलाया तो राणा साहब ने जब इनको यहाँ भेजा था तो उस वक्त ये इस ग्रुप में आए थे जब भारत की टीम ने वो मशहूर ज़माना सीरीज़ जीती थी। भारत की टीम दे आर द ओनली टीम इन द एशियन टीम हु हैज़ बीटन ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, नो अदर एशियन टीम एवर बीन एबल टू डू दैट। तो जब हारिस रऊफ जब भारत की टीम जब उस टूर पे थी सक्सेसफुल टूर पे, तो उसमें भारत की टीम के कप्तान विराट कोहली जो उस वक्त सेंचुरियों के बादशाह थे और बैट पैच से पहले का ज़माना था, तो वहाँ पर हारिस रऊफ नेट में बॉलिंग भी कराते रहे हैं, और MCG के ऊपर हारिस रऊफ से ज़्यादा किसी भी पेसर का, पाकिस्तानी पेसर का, चाहे वो 1976 के सरफराज नवाज हों या 1980s के इमरान खान हों सिडनी के जो उनके स्पेल्स से फेमस, हारिस रऊफ से ज़्यादा बॉल्स किसी ने ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे नहीं की, लेकिन उसके बावजूद हारिस सुहेल उन्हीं विराट कोहली के माबैन दो छक्के खा गए जिससे मैच की कंडीशन चेंज हो गई। नहीं वो छक्के खाना एक और चीज़ है, लेकिन आपका जो है ना कि अप्लाई करना अपने आप को वो बनता है। क्रिकेट है, क्रिकेट में छक्के भी पड़ते हैं बोल्ड भी होते हैं, लेकिन ये कि आप मेंटली जो है ना आप ग्राउंड में जब उतरते हैं तो आप अपने आप को 100% डिलीवर करने के लिए जाते हैं। मैच हारना ही जीतना कोई बात नहीं है, टूर्नामेंट हारना जीतना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब आप कल मैं देख रहा था जब अफरीदी बॉलिंग करने आया तो मैंने अपने ग्रुप में पहला निशान जब वो मॉडिकॉन जो है वो गुस्से वाला फेंक जाए, वजह क्या थी कि मुझे उसकी शक्ल से नज़र आ गया था ही वॉज बिट कैजुअल, मे बी ही वॉज अनफिट बट हिज बॉलिंग वॉज नॉट एट पार एट द लेवल ऑफ अ कंपटिशन। सेम थिंग हैपेंड व्हेन ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई प्रैक्टिस मैच या कोई वार्म मैच खेल रहे। तो जब आप बॉडी, अब इंडिया पाकिस्तान से जीता किस वजह से है कि कोहली की बॉडी लैंग्वेज में और हमारे बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज में एंटायरली डिफरेंट था, उसका कॉन्फिडेंस उसको लेके गया।
शॉटें बड़ी मुश्किल से उसने भी मारी हैं, बड़ी मतलब अच्छी बॉल थी उसकी हारिस रऊफ की जो सेकंड लास्ट बॉल थी जिस पर उसने छक्का मारा। मैंने पहले भी ये बात की थी कि विराट कोहली जब खेलते हैं तो ही टेलर्ड अराउंड द इनिंग्स अराउंड हिज पावर हिटर्स। विराट कोहली का काम है कि इनिंग्स को स्टेबल करना एंड ही हैज बीन सराउंडेड बाय द पावर हिटर्स लाइक द रोहित शर्मा, हिटमैन, स्काई और पांड्या। लेकिन पाकिस्तान के जो की बैट्समैन हैं, चाहे वो मुल्तान सुल्तान के शानी हों या बाबर हों, पाकिस्तान के कप्तान कहने को तो वो नंबर वन नंबर टू हैं, लेकिन वो एंकर करने में बुरी तरह से नाकाम हुए। अच्छा, दूसरी बात जो लबीब भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शाहीन शाह आफरीदी की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि शाहीन शाह आफरीदी फुली फिट नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं आपको बताऊँ ये फैक्ट्स के शाहीन की जो एवरेज स्पीड थी सिंस हिज कम बैक ये 134 थी इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप जो कि दुबई में खेला गया 2021 में, उनकी एवरेज स्पीड वॉज 139 और ही हैजंट बाउल्ड एनी डिलीवरी 145 या 140 से ऊपर, लेकिन दुबई के अंदर वो ये गेम्स ये वाली बॉल्स जो है वो करते रहे हैं। तो दिस वाज आल्सो द वन ऑफ द लीथल फैक्टर्स कि इंडियन थोड़े से कॉन्फिडेंट नज़र आए अगेंस्ट शाहीन शाह आफरीदी, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि वो जो वैनम है शाहीन शाह आफरीदी के अंदर वो थोड़ा गायब है और कम है। सो पहली चीज़ मैंने सिलेक्शन की बोली और दूसरी बॉडी लैंग्वेज और अपने मेंटल स्ट्रेंथ, और तीसरी चीज़ ये है कि नाम पे आपको नहीं खिलाना चाहिए, आप उस दिन उसकी परफॉर्मेंस और सूटेबिलिटी के मुताबिक टीम अपनी 11 जो है ना वो सिलेक्ट करनी चाहिए। आप ये देखते हैं कि ठीक है यार ये नाम, जैसे हम पहले भी ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये मैं मौजूदा कैप्टन को या कोच को नहीं कह रहा, ये हम लोग यही करते हैं कि जी जिस तरह याद होगा कि जावेद मियांदाद को खिला लिया था एक दफ़ा 96 के वर्ल्ड कप में जस्ट बिकॉज ही हैड अ नेम बट ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट मैच। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको देखनी है कि जो फिट प्लेयर है और जो परफॉर्म करेगा 100% डिलीवर करेगा उसको आपको टीम में लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि नए लड़कों में बहुत टैलेंट है, टैलेंट में कमी नहीं है, थोड़ा सा इनको पॉलिश किया जाए, थोड़ी इनकी ग्रूमिंग जो है ना मेंटल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी, मेंटल स्ट्रेंथ के बगैर आप मैच नहीं जीते। जी मेरे इंतहाई दाएं जानिब डॉक्टर शहराज बैठे हुए हैं जो डेंटिस्ट हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, बड़े उदास दिखाई देते हैं पाकिस्तान की शिकस्त के ऊपर, किसी गहरी सोच में हैं। तो डॉक्टर शहराज को भी डिस्कशन में शामिल करते हैं और वेलकम करते हैं N6 पे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अभी लबीब भाई ने जिक्र किया पाकिस्तान की हार का, तो अच्छा ज़्यादा हम जिम्बाब्वे से ज़रा काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुए हुए हैं, शौक के अंदर हैं, लेकिन शायद हमारे नाज़रीन को ये मालूम नहीं कि एक पहले तो बड़ी एक अफसोसनाक बात यह है कि 131 इज़ द लोएस्ट टोटल सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान टीम T20 के अंदर डिफेंड नहीं कर सकी। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर आपकी परेशानी को यहाँ पर मैं कम कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा जस्ट होगा कि टू पुट द स्प्रिंकल द सॉल्ट ओवर द वूंड्स, घबराएं नहीं, इससे पहले अगर बात करते हैं आप T20 की, वर्ल्ड कप के अलावा T20 की, तो वो जो लोएस्ट रिकॉर्ड है वो भी पाकिस्तान के पास है और आप हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि दैट रिकॉर्ड इज़ 99 जब पाकिस्तान टीम आउट हो गई थी एंड दैट वाज इन द हरारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अलावा लोएस्ट एवर टोटल है जो पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर सका और वो भी जिम्बाब्वे के ही खिलाफ है। तो ये क्या जिम्बाब्वे को क्या सितारा कोई गर्दिश में है हमारा या जिम्बाब्वे की खुशकिस्मती है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम का सितारा गर्दिश में है और वो काफ़ी अरसे से गर्दिश में ही है। बहुत अनप्रडिक्टेबल टीम है, कभी तो वो नो लॉस पे मैच जीत जाती है और कभी जो है उसके मिडल ऑर्डर फेल हो जाता है और कभी ओपनर फेल हो जाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मेरा ख्याल है टीम को थोड़ा मच्योर होने की ज़रूरत है और प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी वो एक मोहल्ले की टीम की तरह खेल रहे हैं, उनको को अच्छी कोच और अच्छे प्लानर की ज़रूरत है। ठीक है जी बिल्कुल। मेरे दाएं जाने बैठे हुए हैं आतिफ लियाकत और शोबे के हिसाब से इंजीनियर हैं वो और क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, देखते हैं कि उनकी क्या आ रहा है पाकिस्तान की शिकस्त के ऊपर। लेकिन वैसे उनकी आरा जानने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं पाकिस्तानी फैंस को, जो मैंने जिम्बाब्वे का फन फैक्ट दिया कि डोंट गेट सरप्राइज्ड इफ पाकिस्तान हैज़ बीन बीटन इन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने अपनी T20 की तारीख में यहाँ पर 6 मैच खेल रखे हैं,
तो आपको मैं बता दूं N6 के पैनल के ऊपर दैट पाकिस्तान हैज बीन नेवर एबल टू विन द T20 गेम ऑन द ऑस्ट्रेलियन सॉइल। 6 मैचेस के अंदर पाकिस्तान को 5 में शिकस्त हुई है, एक मैच जो है वो वॉश आउट हो गया था, उसका रिजल्ट नहीं निकल सका। तो पाकिस्तान इज येट टू ओपन द डेब्यू ऑन द ऑस्ट्रेलियन सॉइल। और मजीद ये बता दूं आपको कि जिम्बाब्वे की टीम जिससे पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, उन्होंने 3 ऐसे मैच जीत रखे हैं ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर। और थोड़ा सा मज़ीद इस बात में शामिल कर दूं कि पाकिस्तान का जो अल्टरनेटिव होस्ट हैं, जो पाकिस्तान अपना अल्टरनेटिव ग्राउंड कहता है, अल्टरनेटिव होम पाकिस्तान का यूएई आल्सो हैविंग वन सच विक्ट्री ऑन द ऑस्ट्रेलियन सॉइल, बट पाकिस्तान हैज़ बीन डिनाइड टू हैव सच विक्ट्री। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द N6। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर जी की हो गया मैच, की देते हैं? पता नहीं जी की कर रहे ने, कांट से नहीं थी, मतलब बड़े एक्साइटेड थे फॉर द मैच। मतलब इंडिया और पाकिस्तान का तो हमें पता था कि दैट्स गोइंग टू बी अ क्रूशियल मैच और एंजॉय करेंगे, तो उसमें गॉट नो वर्ड्स। मतलब हमें एक्सपेक्टेड था कि द वे वी आर फाइटिंग के वी विल गेट इट। अच्छा, आप समझते हैं कि फ़खर को जो है ओपन करना चाहिए और बाबर को या रिजवान को नीचे आना चाहिए? क्योंकि फ़खर और बाबर, हमने देखा कि जब ये ओपनिंग हो रही है, फ़खर और माफ़ कीजिएगा बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है, आल दो के वेन द थिंग्स वर गुड, द ग्रास वॉज ग्रीन, स्काई वॉज ब्लू इन द 2021 वर्ल्ड कप, लेकिन अब जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं वो ये हैं कि बाबर और रिजवान दोनों स्लो खेलते हैं। जो हाल कराची किंग्स का है वो इसी वजह से है कि बाबर आजम कराची किंग से खेलते हैं और वो इतने अटैकिंग मूड में नहीं होते। तो होता क्या है कि जब वो 80 बॉलें खा जाते हैं, आई मीन पी जाते हैं, और रन्स थोड़े होते हैं बोर्ड के ऊपर, तो बाकी आपके मिडिल ऑर्डर को सिर्फ पीछे 40 बॉल्स मिलती हैं या 60 बॉल्स मिलती हैं। उस 60 बॉल्स के अंदर हाउ कैन यू मेक द स्कोर ऑफ 170 जब आपके ओपनर्स ने इतनी बॉल्स खा ली होंगी, तो ऑब्वियसली आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन हमने देखा ये है कि 5 गेम्स ऐसी थी जहाँ पर बाबर ओपन करने के लिए नहीं आए, वहाँ वन डाउन आए और फ़खर ने वहाँ पर ओपन किया, तो उनके अंदर पाकिस्तान का सक्सेस रेट जो है वो 67% हुआ और फ़खर की वहाँ पर 3 निस सेंचुरियाँ भी मौजूद हैं। तो इससे लगता है कि अगर फ़खर ऊपर आते हैं तो शायद बाबर को एंकर करने का मौका मिल जाए, क्योंकि जब रिजवान स्लो खेलते हैं, क्योंकि रिजवान तेज़ नहीं खेल सकते, फिर बाबर पर सारा प्रेशर आता है, और जब बाबर तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं तो उन वो अपनी विकेट खो देते हैं। लेकिन विराट कोहली उनके बरक्स, उनके जो चोटी के बल्लेबाज और उनके साथी जो टेबल्स के ऊपर हैं, विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द इंडिया, वन the best in the world, जब विराट खेलते हैं तो he has been surrounded by स्काई, रोहित और पांड्या, लेकिन अब बाबर के गिर्द जो है ये हिटर्स का घेराव नहीं है। तो is this the reason कि पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर है वो मुश्किलात का शिकार है? कुछ आपसे एग्री करूँगा, मतलब अगर इनको ट्राई करना चाहिए था तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। जब अगर आप नॉर्मल भी देखें कमेंट्स और लोग जो कहते हैं कि मे बी बाबर को ट्राई करना चाहिए टू गो वन डाउन, और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की मैच था, आपने इंडिया में नहीं आपने ट्राई करना, दैट्स फाइन, जिम्बाब्वे में आप ट्राई कर सकते थे, ठीक है, जस्ट टू सी के क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम दूसरों को भी तो ला रहे हैं ना, वसीम को भी हम लेकर आए, तो हम ये भी एक करके देख सकते थे कि हमें क्या समझ आती है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह बन सकती थी फॉर द कमिंग मैचेस। तो आई थिंक सो ये चीज़ की जा सकती थी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच कौन जीतेगा? अगर तो आप जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं सोशल मीडिया पे, अगर तो आप उसको देखेंगे तो फिर तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए। बट इंडिया साउथ अफ्रीका गेम बड़ी क्रंच गेम होने जा रही है पर्थ पे, दुनिया की तेज तरीन विकेट पर्थ, वहाँ पर ये मैच होगा, कौन जीतेगा? मुझे लगता है इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया को जीतना चाहिए क्योंकि उनको मालूम है कि कारमा जो है, कारमा बूम्स रैंग, तो अब ये मालूम नहीं है। जाने से पहले आपको लास्ट न्यूज़ दे दूं, पाकिस्तानी फैंस जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके जो होप्स हैं, कैन पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल्स? यस, स्टिल पाकिस्तान कैन मेक सेमी फाइनल्स एंड एबल टू मीट द लास्ट 4। हाउ इज़ द सेकेंड क्वेश्चन यू आर आस्किंग फ्रॉम द होम, आई विल टेल यू ऑन द N6, दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर। पाकिस्तान कैन क्वालिफाई बांग्लादेश वर्सेज जिम्बाब्वे गेम, बांग्लादेश विन्स द गेम। पाकिस्तान वर्सेज नीदरलैंड्स, पाकिस्तान विन द गेम विद अ ह्यूज टारगेट। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका पर्थ गेम, इंडिया विन्स द गेम। डच वर्सेज जिम्बाब्वे, नीदरलैंड वर्सेज जिम्बाब्वे, डज नॉट मैटर हु विन्स। पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान विन्स। डच वर्सेज साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका विंस, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान मस्ट विन विद अ ह्यूज टारगेट, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, इंडिया विंस. दिस इज द कंडीशन दैट हाउ वी कैन मेक टू द लास्ट फोर एंड पाकिस्तान विल एबल टू मीट द वर्ल्ड कप. टिल नेक्स्ट एपिसोड, होपिंग दैट थिंग्स विल बी शेपिंग गुड फॉर द पाकिस्तान फैंस एंड थिंग्स विल बी शेपिंग गुड फॉर द बांग्लादेश फैंस, एंथुजियास्ट फैंस अराउंड द सब कॉन्टिनेंट. टिल नेक्स्ट एपिसोड, डॉक्टर अदनान सेज यू गुड बाय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. टेक केयर एंड बाय बाय.